सरकार के आदेश के बाद पहली जून से शुरू होने वाली बस सेवा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बस अड्डा परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि गाड़ी में 7% सवारियां ही बिठाई जाएंगी और बस में बैठने के लिए आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य होगा। इसके बिना सवारी बस में सफर नहीं कर पाएगी। लॉकडाउन के चलते पहली जून से HRTC की बसों को चलाने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते ही आज HRTC कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर HRTC के RM विवेक लखनपाल भी मौजूद रहे। RM विवेक लखनपाल ने बताया कि पहली जून से हमीरपुर में HRTC की बसें सड़कों पर दौड़ेंगी और बसों में 60% ही सवारियां सफर कर पाएंगी। बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा तो बस अड्डे को भी 3 घंटे बाद सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में 47 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी और 6 रूट जिला से बाहर जाएंगे, जिसमें एक शिमला, मंडी, धर्मपुर के लिए भी बसें शुरू की जाएंगी। लखनपाल ने बताया कि बस में सफर करने के लिए सवारियों को आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना सवारी बस में सफर नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि जिला से बाहर जाने के लिए सवारी को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। सरकार के निर्देशानुसार पहली जून से HRTC की गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, तो उन्हीं को लेके गाड़ियों को चलाते समय क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, इन सब के बारे में जो ड्राइवर और कंडक्टर उनके साथ चलेंगे उसके बारे में जो आज मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बारे में अवगत कराया गया इनको। तो इसमें मुख्य कारण ये थे कि जो गाड़ी होगी उसमें 60% सीटों पर ही सवारियाँ बिठाई जाएंगी और सवारी के लिए मैंडेटरी होगा कि जो सफ़र करेगी उसमें आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड किया हो और उसके ऊपर रेड का निशान ना हो। और इसी तरह कुछ हिदायतें जो ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे उनके साथ डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, उनसे उचित दूरी बना के रखेंगे और उनको भी प्रेरित करेंगे कि उचित दूरी बना के रखें, तो उसके बारे में ही ये मीटिंग आज बुलाई गई थी। सैनिटाइजेशन का ही विशेष मुद्दा है, जिसमें हम अपने ड्राइवर और कंडक्टर को सैनिटाइज़र देंगे और वक्त पे वो अपने आप को तो सैनिटाइज करेंगे, परंतु जो गाड़ी वर्कशॉप में आएगी और जाएगी उसको भी ये सुनिश्चित करेंगे कि वो वर्कशॉप में गाड़ी आते समय भी सैनिटाइज हो और जाते समय भी सैनिटाइज हो। और साथ ही साथ में जो गाड़ियाँ रात भर खड़ी रहेंगी हेडक्वार्टर के बाहर, मतलब हमीरपुर के बाहर, तो उन गाड़ियों को भी सैनिटाइज करेंगे सुबह चलने से पहले, उसके बारे में भी हिदायत की। और जहाँ तक बस स्टैंड की सवाल है तो बस स्टैंड को हर 3 घंटे के बाद जो है सैनिटाइज किया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल जो है हम 47 रूटों पे बस चलाएंगे लोकल में जो ज़िले के अंदर चलेंगे और 6 रूट ऐसे हैं हमारे जो ज़िले के बाहर जाएंगे, तो उसमें 1 शिमला के लिए है, 2 मंडी के लिए है, 1 धर्मपुर और 1 पालमपुर। हम बस नहीं चला रहे हैं अभी, जब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे तो कोई पास नहीं जारी करेगा, जो बस में बैठा होगा उसको कोई ज़रूरत नहीं है कोई पास लेने की कुछ है।